अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर डॉक्टर पूनम के साथ हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेकेंड वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो इनकी लोकेशन, इनकी वर्किंग और इनका रोल पढ़ेंगे हम कंप्लीट डिटेल में। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनसीईआरटी के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इसमें प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल एंड सेकेंड है इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। फाइन बेटा, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो उनको प्राइमरी क्यों बोलते हैं। हालांकि ये भी पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये भी पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड विद फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो ऑर्गन गैमेट्स बनाते हैं, जिनमें गैमेटोजेनेसिस होता है, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे ओजेनेसिस हो, उन्हीं ऑर्गन्स को हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोला जाता है। तो ऑब्वियसली अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर टेस्टिस आर इन्वॉल्व्ड एज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बिकॉज दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो ऑब्वियसली ओवरी होता है, विच इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फाइन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, इट इन्वॉल्व द एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड। ये हम कंप्लीटली कमिंग टाइम में अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, ओके। उससे पहले मैं आपको एक बार हल्का सा व्यू देती हूं टेस्टिस की लोकेशन का और फिर इसके हम डायग्राम पे आते हैं। ओके, जो मेल है, मेल के अंदर जो टेस्टिस होती हैं वो कहां लोकेटेड होती हैं? दे आर लोकेटेड इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज सेक्रोटम एंड सेक्रोटम इज लोकेटेडली एक्स्ट्रा एब्डोमिनली ये प्रेजेंट होती है। फाइन, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसका ध्यान से ये सोचें कि देखिए बेटा, आपके बुक्स में, किसी भी बुक्स में आपको जनरली सीधा ये दे दिया जाता है कि ये यहां प्रेजेंट होती है टेस्टिस तो बाहर प्रेजेंट होती है एब्डोमेन से और ओवरी हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। तो देखिए, जो डेवलपिंग फीटस होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें जो गोनेड्स, चाहे ओवरी हो चाहे टेस्टिस हो, दोनों के दोनों मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। दे आर डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर मीजोडर्म। फाइन, चाहे टेस्टिस है चाहे ओवरी है, इस मीजोडर्म का काम था गोनेड्स को बनाना, चाहे डेवलपिंग मेल है चाहे फीमेल है। अब वो डेवलप करवाएगा उनको ऑब्वियसली एब्डोमेन में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या होता है मेल फीटस में जिसकी वजह से जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन से कहां आ जाती है? दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। पहले हम उसका रीजन देखते हैं और फिर हम उसका ये देखते हैं कि वो कैसे चली गई। तो रीजन ये है कि जो टेस्टिस होती हैं वो टेस्टिस क्यों लोकेटेड होती हैं? क्यों लोकेटेड है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनली? तो डियर स्टूडेंट्स, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नीड द टेम्परेचर बिलो 2 to 3 degrees फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर। एक तो मेल है वो, एक तो वो फीटस जो है वो खुद मेल है, फर्स्ट पॉइंट। उस मेल के अंदर वैसे भी बीएमआर जो होता है वो ज्यादा रहता है। फाइन, दूसरी बात क्या है, उसके अंदर, उस टेस्टिस में जो उसकी वर्किंग होने जाएगी वो
बॉडी टेम्परेचर से उसको 2 to 3 degrees Celsius टेम्परेचर कम चाहिए, तो इसीलिए वो उसके एब्डोमेन में तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए क्या प्रोसीजर हुआ ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, जो टेस्टिस होती है वो धीरे धीरे एब्डोमेन से बाहर ही शिफ्ट हो गई। बहुत सारे ऐसे कोल्ड एरिया के मेल मैमल्स होते हैं जिनके टेस्टिस उनके बॉडी में होती हैं। अगर किसी को कोई इसका पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा, आई विल हाईलाइट टू दैट स्टूडेंट। ओके, सो रीजन तो ये हुआ कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है दैट नीड 2 to 3 degrees Celsius टेम्परेचर बिलो द बॉडी एंड ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सेक्रोटम बना और उस सेक्रोटम के अंदर टेस्टिस डेवलप हुई और इस सेक्रोटम के अंदर डाल्टस मसल की हेल्प से ये अपनी बॉडी की हीट, टेस्टिस की बॉडी की हीट जो होती है उसको एडजस्ट कर सकती है। दे कैन एक्सपेंड ड्यूरिंग द समर एंड दे कंस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द विंटर फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर। वो एक्सपेंड क्यों होती है समर में, क्योंकि वो हीट को लॉस कर सके, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी के पास आ जाती है ताकि वो मेंटेन कर सके। तो इसीलिए डाल्टस मसल जो सेक्रोटम के अराउंड सराउंड होती है वो उनके एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये होता कैसे है, जो टेस्टिस हैं वो कैसे एक्स्ट्रा एब्डोमिनली चली जाती हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई ह्यूमन डेवलपिंग मेल है और ये इसका एब्डोमेन है, टेस्टिस प्रेजेंट है यहाँ पे, फाइन। तो पहले ये यहाँ पे थी, तो डियर स्टूडेंट सारा का सारा नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, नेटवर्क ऑफ वेन्स, लिम्फ वेसल चाहे ना हो वो पहले यहाँ पे प्रेजेंट थी, लेकिन वो ये ऐसे कैसे मूव कर गई एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, है ना। तो ऑब्वियसली इट इज कॉज्ड बाय द वर्किंग ऑफ एस आर वाई जी दैट इज लोकेटेड ऑन एस आर वाई लोकस एंड दिस एस आर वाई जी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टीडीएफ फैक्टर। It is testis determining factor and due to presence of this factor that is formed. This factor is a protein that is formed by SRY gene. जो SRY locus of chromosome पे present होती है ये testis धीरे धीरे descend हो जाती है किसमें सेक्रोटम में first. दूसरा जो है obviously a little bit testosterone is also present in the starting case of the developing male, तो उसकी वजह से भी ये हो जाती है first। अब हम देखते हैं ये होता कैसे है, इसके पीछे का reason देख लिया हमने। तो जैसे जैसे testis move करना start करती है abdomen में तो वो सारे के सारे उस area को खींच के ले आती है, और अगर हम यहाँ पे देखें abdomen में तो abdomen एब्डोमिनल ऑर्गन किससे कवर्ड होते हैं, एक लेयर से, मेसोडर्मल लेयर, पेरिटोनियम से, जो पेरिटोनियम किससे बनी होती है मेसोडर्म से, तो मेसोडर्म से बनने वाली पेरिटोनियम लेयर हमारे एब्डोमेन के हर एक ऑर्गन को कवर करती है, तो उसमें आपकी टेस्टिस भी आती है, ओवरी भी आती है। अब टेस्टिस और ओवरी की अगर लोकेशन देखें तो ओवरी तो वही की वही रह गई, लेकिन टेस्टिस कहां आ गई, टेस्टिस आ गई सेक्रोटम में, तो वो उसकी जो पेरिटोनियल लेयर थी वो कंप्लीटली वहां पे खींच के नहीं ला पाती, इसीलिए मेसोडर्म की डेवलप्ड पेरिटोनियम होती है वो लिटिल बिट रह जाती है, ठीक है फर्स्ट। दूसरा ये आर्टरीज वीन्स को और नर्व्स को खींच के ले आती है टेस्टिस कहां पे, इसी एब्डोमेन में, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए और नर्व सिग्नल भी चाहिए ब्रेन से। तो इसीलिए एक नाम की कैनाल होती है जिसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। दिस इंग्विनल कैनाल कंटेन टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वीन, टेस्टिकुलर नर्व दैट इज कनेक्टेड टू द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ टेस्टिस इन द एब्डोमेन विद द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सेक्रोटल कैविटी। ओके फाइन बेटा, तो इंग्विनल कैनाल कनेक्ट दीज टेस्टिस इन देयर ओरिजिनल पोजिशन। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि जो टेस्टिस है वो क्यों बाहर चली जाती हैं और टेस्टिस के बाहर जाने के पीछे रीजन क्या है और
कैसे जाती है। अब हम आते हैं टेस्टिस के डायग्राम पे। तो जो टेस्टिस होती है, अगर मैं ह्यूमन मेल में दिखाऊं आपको, तो अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये मान लीजिए 10th के हिसाब से अगर हम स्टार्ट करें, तो टेस्टिस हमने इसी सेगमेंटम में सेपरेट कर दी है। टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होती है इसकी ग्लैंड, दैट इज नोन एज द एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंशिया निकलती है जो यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए और कहां पे आती है, इसके यूरिनोजेनाइटल ट्रैक को फॉलो करती है। ठीक है, तो दीज आर टेस्टिस, इट इज एपिडिडाइमस, दिस इज वास डिफरेंस, और ये है इधर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यहां पे है सेमाइनल वेसिकल, ये है यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये आ जाता है पेनिस कपिलेटरी ऑर्गन। फाइन मैडम, ये आपका मैंने फास्टली से ही करवाया, क्योंकि टेंथ का डायग्राम है, आपको सभी को इसको बेसिकली आता है। टेस्टिस आर लोकेटेड विद ईच अदर बाय सेक्रोटम। ओके, सेक्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस ग्लैंड होती है, और एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस निकलते जो यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए सेमाइनल वेसिकल के साथ फ्यूज करती है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ फ्यूज करते हैं, और फिर नेक्स्ट ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड के साथ, ये बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड के साथ मिक्सअप होते हैं, एंड देन दे एग्जिट देयर सिक्रेशन बाय द हेल्प ऑफ पेनिस। ओके, एंड दिस पेनिस कंटेन द एग्जिट पॉइंट फॉर बोथ the secretion of testis and urinary bladder, means it help in expelling the sperm also and the urine also, इसीलिए इसकी जो opening होती है उसको बोलते हैं urinogenital opening, जो common होती है male में और जो different होती है female के अंदर। fine, अब हम इस testis की structure को detail में discuss करते हैं कि इस testis की structure में क्या special होता है। फाइन, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है टेस्टिस की। तो टेस्टिस आपके दोनों पेयर टेस्टिस हैं, दोनों बाहर सेक्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूं कि जो टेस्टिस होती हैं वो ऐसे प्रेजेंट होती हैं, दोनों पेयर्ड हैं और वो सेक्रोटम में प्रेजेंट है। उनकी अटैचमेंट जो सेक्रोटम से होती है, टेस्टिस आर अटैच टू द सेक्रोटम बाय ए fibrous connective tissue, that is known as the gubernaculum. Gubernaculum. Gubernaculum help in attachment of the testis with the sacrotum. अभी आपके सामने testis की structure है, और testis की structure से पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो testis के बाहर peritoneum layer की जो mesoderm से develop होती है abdominal, उसको हम बोलते हैं that is the mesorchium. यहाँ पे अभी है नहीं इसमें, लेकिन मैं लिखवा देती हूँ आपको, द पेरिटोनियल लेयर इज नोन एज द मिजोरकियम, और ओवरी में उसको मिजोवैरियम बोला जाता है। फाइन, ओके, उसके नीचे आते हैं टेस्टिस की खुद की टेस्टिकुलर लेयर, ये तो थी कवरिंग। अब हम टेस्टिकुलर लेयर में आते हैं, तो तीन टेस्टिकुलर लेयर होती है, ये रही ट्यूनिका वेजिनालिस आउटर मोस्ट होती है, फिर बीच में होती है ट्यूनिका एल्बुजीनिया, और अंदर होते बिल्कुल इनर मोस्ट ट्यूनिका वास्कुलोसा इसमें नहीं है। फाइन, ट्यूनिका वेजिनालिस फर्स्ट होती है, ट्यूनिका एल्बुजीनिया मिडल होती है, ट्यूनिका वास्कुलोसा बिल्कुल इनर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ पे वेजिनालिस आउटर मोस्ट होती है, प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन एल्बुजीनिया जो होती है उसमें कनेक्टिव टिश्यू मिलता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, और जो बिल्कुल इनर मोस्ट होती है वास्कुलोसा, उसमें ब्लड वेसल्स होती है। ये होगी कवरिंग। अब हमारे टेस्टिस का सेक्शन काट के देखिए, तो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर अपार्टमेंट, टेस्टिकुलर अपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसको एनसीआरटी में
हाईलाइट किया हुआ है, दे आर 250 इन नंबर इन ईच टेस्टिस, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने दोनों दिखाए हुए दोनों वे से, तो ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर हम सेक्शन काट के देखें तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ऐसे कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर 3 to 4 इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 3 to 4। इसका मतलब एक जो टेस्टिस है उसमें लगभग 750 से 1000 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। फाइन बेटा, तो ये जो लोब्यूल है ये हो गए 250, एक के अंदर टेस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लगभग 3 to 4 हो गए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ है प्रीवियसली, तो इसलिए मैंने आपको बताया। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में दोनों टेस्टिस के टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूछे जाए तो आप इसको 1500 से 2000 तक इसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके, तो ये प्रेजेंट है यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल और टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फाइन, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पे स्पर्म बनते हैं, तो वो जगह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है जर्मिनल सेल्स जो गैमेट बनाती हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस इसका स्ट्रक्चर बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से जो स्पर्म बनते हैं वो इन डक्ट्स के थ्रू इकट्ठे होते हैं सभी 250 अपार्टमेंट से और एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द रेटी टेस्टिस। फाइन, और ये जो रेटी टेस्टिस है ये रेटी टेस्टिस खुद इकट्ठा होकर के आगे ये डक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वास एफरेंशिया। और अगेन रिपीटिंग, टेस्टिकुलर लोब्यूल में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनके इकट्ठे होते हैं रेटी टेस्टिस से, रेटी टेस्टिस से स्पर्म इकट्ठे होते हैं किसके थ्रू, वास एफरेंशिया। और ये जो वास एफरेंशिया है ये एंटर कर जाती है स्पर्म को लेकर के किसमें, एपी पेरिडाइमस में, जिसे पेरिडाइमस में जो स्पर्म है वो स्टोर भी होते हैं वो मैच्योर भी होते हैं, बस कोई नरिशमेंट नहीं होती है। और उसके बाद में जो स्पर्म है एपिडिडिमस से निकल के चल पड़ते हैं वास डिफरेंशिया से, एपिडिडिमस में स्पर्म की एंट्री होती है इफरेंशिया से, एग्जिट होती है डिफरेंशिया से, और ये डिफरेंशिया जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एरिया से एब्डोमन की तरफ स्पर्म को लेके जाती है अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल स्टीरियोस्टीरिया की हेल्प से इनकी स्पर्म की मूवमेंट होती है और ये चले जाते हैं एब्डोमिनल एरिया में अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर घूमते हुए। ये कहां चले जाते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के पास चले जाते हैं और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के अंदर जाके जो वास डिफरेंशिया है वो सेमिनल वेसिकल, इधर से वास डिफरेंशिया के इधर से सेमिनल वेसिकल ग्लैंड आती है और ये फ्यूज कर जाते हैं। देखिए बेटा मैं एक बार फिर दिखाती हूं आपको, मान लीजिए ये टेस्टिस थी, टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडिमस थी, तो इससे वास डिफरेंशिया घूमते हुए जाएगी और ये सेमिनल वेसिकल है, तो सेमिनल वेसिकल की ग्लैंड इधर से डिफरेंशिया दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। दिस इजेकुलेटरी डक्ट इज फॉर्मड बाय यूनियन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एंड वास डिफरेंशिया, उधर से सेमिनल प्लाज्मा इधर से स्पर्म दोनों मिक्सअप हो जाते हैं और दे यूनाइट विद द यूरेथ्रा दैट इज कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। फाइन बेटा, ओके हम अगेन फिर देखते हैं, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर दैट पोर द यूरिन बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा और इधर से आ रहा है वास डिफरेंशिया और ये सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल और ये सेमिनल वेसिकल की ग्लैंड वास डिफरेंशिया मिलके बन गई है इजेकुलेटरी डक्ट। नाउ दिस इजेकुलेटरी डक्ट फ्यूज विद द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा दैट इज प्रेजेंट बिनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड नाउ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड ट्रांसफर बोथ यूरिन एंड द स्पर्म टू द नेक्स्ट यूरेथ्रल पार्ट एंड दैट इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा।
फाइन। अभी मैंने आपके सामने यूरेथ्रा के दो पार्ट बताए हैं, पहला है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और नीचे जो प्रेजेंट होता है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसके आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और फिर नीचे इस कपलेटरी ऑर्गन पेनिस प्रेजेंट होता है और उसके पास जो यूरेथ्रा होता है उसको हम बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। इसका मतलब डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने यूरेथ्रा के तीन पार्ट लिख दिए हैं, कौन कौन से, पहला है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास मिलता है, ठीक है, 4-5 सेंटीमीटर होता है ये। फिर दूसरा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस जो यूरेथ्रा होता है वो मिलता है अराउंड द कॉपर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो 2-3 सेंटीमीटर होता है एमएम, तो जो बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद में होता है नेक्स्ट इज द पिनाइल यूरेथ्रा और ये सबसे लंबा होता है, 15 सेंटीमीटर तक का होता है। इसका मतलब ओवरऑल जो यूरेथ्रा होता है मेल के अंदर वो 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, फीमेल में सिर्फ 4-5 सेंटीमीटर होता है। फाइन बेटा, और पेनिस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये बता देते हैं पेनिस का जो ये एरिया होता है इसको हम ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, दैट हैविंग यूरिनोजेनिटल ओपनिंग, ठीक है, और इसकी जो स्किन होती है यहाँ पर फोल्डेबल स्किन उसको प्रीप्यूज बोला जाता है। फाइन बेटा, तो आगे जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एसेसरी डक्ट्स ही की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो हमने स्टार्टिंग की है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दे यूनाइट टू फॉर्म द रेटिपेस्टिस, दे यूनाइट टू फॉर्म द वास इफ्रेंशिया, दे यूनाइट टू फॉर्म इफ्रेंशिया गोज टू एपिडिडाइमस एंड नेक्स्ट इज एंटर एग्जिट बाय वास डिफरेंशिया एंड वास डिफरेंशिया के बाद में नेक्स्ट आती है इजेकुलेटरी डक्ट। तो ये एसेसरी डक्ट है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो एसेसरी ग्लैंड कौन सी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा, लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इस कंटेंट को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।